दुर्गापुर के कोकोवन थाना क्षेत्र के सुकुमार नगर कॉलोनी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की घटना की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम पहुंची घटनास्थल पर। फॉरेंसिक टीम के सदस्यों ने घटनास्थल से नमूने संग्रह किए और अब फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही गैस सिलेंडर फटने के कारणों का पता चल सकेगा। दुर्गापुर के कोकोवन थाना क्षेत्र के सुकुमार नगर कॉलोनी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की घटना की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम के सदस्यों ने घटनास्थल से नमूने संग्रह किए। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर गैस सिलेंडर में ब्लास्ट कैसे हुआ। जानकारी के अनुसार उस इलाके में मंगलवार को केटरिंग और डेकोरेटर व्यवसायी की गोदाम में जोरदार गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से गोदाम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। ये विस्फोट कितना जोरदार था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गोदाम की कंक्रीट की छत एवं दीवारें पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए शंभू पोद्दार समेत सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शंभू की मौत हो गई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह लगभग 11 बजे ये घटना घटी। डेकोरेटर और केटरिंग व्यवसायी कमल सरकार भोजन बनाने की तैयारी में जुटे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि गैस सिलेंडर जलाने के दौरान अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से एक तरफ जहां गोदाम की छत क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं मौके पर मौजूद शंभू पोद्दार व कमल सरकार समेत अन्य तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ब्लास्ट की तीव्रता की वजह से पूरा इलाका दहल उठा और स्थानीय लोग दहशत में आ गए। शंभू पोद्दार की अस्पताल में मौत हो गई। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ कैसे। पुलिस का मानना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ब्लास्ट होने के कारणों का खुलासा हो सकेगा। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। मोहन द फैमिली स्टोर। बाताशे शिवली फुलेर गंध माने मायर आगमनी, पूजोर केनाकाटा माने मोहन। मोहन द फैमिली स्टोर, आसनसोल रानीगंज। दुर्गा पूजा हो या दीपावली या हो कोई भी उत्सव, कपड़ों की खरीदारी के लिए आपकी पहली पसंद मोहन दी फैमिली स्टोर। एक छत के नीचे फैमिली की संपूर्ण खरीदारी और ब्रांडेड कंपनियों के गारमेंट्स का नाम मोहन दी फैमिली स्टोर, आसनसोल रानीगंज।